सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं एडमॉस व्लॉग, और मेरे साथ है मेरा छोटा भाई सज्जाद। तो आज आपको हम दिखाएंगे अपनी किया कैरन का रिव्यू। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा और शेयर कर दिएगा। तो आइए दिखाते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा ये किया कारन। तो इसका व्लॉग बनाने जा रहे हैं, तो अगर आप लोग को इसका रिव्यू अच्छा लगे तो बताइएगा मुझे। तो मेरे साथ है अभी ये दी ऑल न्यू किया कैरन। ये मेरी कैरन है। मैंने सोचा कि यार दूसरों की गाड़ी का रिव्यू करने से पहले मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू कर लूँ। तो ये जो गाड़ी आती है ये 1500 cc के इंजन के साथ आती है, और इसके साथ मिलती है ये की। तो ये जो की है इससे आप कई काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको होल्ड कर रहे हैं तो ये कार स्टार्ट हो जाती है। पहले उसके लिए आपको मतलब बंद करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये होल्ड करे रहेंगे तो ये कार स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिएगा आप लोग, सबसे अच्छा फीचर मुझे यही लगता है इस कार का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आइए जब इसको हम ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं तो इसकी साइड मिरर अपने आप खुल जाता है। ये बहुत अच्छी फीचर में गाड़ी है। ये मेरी गाड़ी, हमने लिया था इसको 18 लाख की। और दूसरा फीचर इसके अंदर ये है कि इसको मैं मोबाइल से भी, मोबाइल के ऐप के थ्रू भी स्टार्ट कर सकता हूँ, AC ऑन कर सकता हूँ, ये वो। इस वजह से मुझे ये कार बहुत अच्छी लगी। और जो इसके ये व्हील है, ये आपको मिल जाते हैं इसके जो अलॉय व्हील के साथ ये आते हैं 17 इंच के, क्योंकि गाड़ी बहुत ही मतलब कि स्मूथ चलती है और बहुत ही अच्छी है। और इसके अंदर आपको एक अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। और देखो अब इसको हम लोग ऐसा करके ये सारी सीट अंदर चली जाती है। जो लोग बूट जैसे 7 सीटर जो लोग गाड़ी चाहते हैं और चाहते हैं उनको बूट की स्पेस अच्छी मिले, तो उनके लिए गाड़ी बहुत अच्छी फैमिली कार है। और अब इसके अंदर पीछे वाली सीट पर बैठ के आपको दिखाते हैं। तो इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर क्या लगता है मुझे, ये देखिए हाइड्रोलिक है, 1 टच काम ख़त्म। तो इसका जो ये लेग रूम है ये भी बहुत डिसेंट है और बहुत ही बैठने में कंफर्टेबल है। जैसे मेरे हाइट होगी 5'9" या 5'10" तक की, तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा है। मैं बहुत ही आराम से और अच्छा खासा थाई सपोर्ट थोड़ा था मैं हल्का सा, लेकिन ये गाड़ी मुझे बहुत ही सही लगी। और इधर आइए, आपको इस तरीके के चार्जर, ये तरीके का चार्जर है, ये आपको हर सीट के साथ मिल जाता है, सी टाइप चार्जर। तो बहुत ही सही है कि जो पीछे बैठे वो भी अपना फ़ोन फुल चार्ज कर सकते हैं। और ये सीट का भी आपको दिखा दें, देखिए भाई ये भी मैंने बहुत, अब आगे की सीट बहुत ज़्यादा पीछे है इस वजह से कंफर्टेबल। और इसको आप जितना चाहे उतना पीछे भी कर सकते हैं और जितना चाहे उतना रिक्लाइन भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको मिलते हैं इधर साइड ये दो आपको USB साइड मिल जाते हैं। तो आगे वालों के लिए भी चाहिए USB, और ये पीछे वालों के लिए भी दो USB पोर्ट दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको मिलती है ये इसके अंदर ये एरोप्लेन वाली सीट वाली वो टेबल, जिससे आप कुछ भी रख के आराम से खाना खा सकते हैं। और ये सबसे अहम चीज़ है जिसकी वजह से मैंने ये पर्सनली गाड़ी खरीदी है, एयर प्यूरीफायर। जो लोग स्मोक करते हैं या जो भी करते हो, इससे आप कर सकते हैं, वरना जो भी गंदगी वो जो गंदा पॉल्यूशन होगा वो बाहर चला जाएगा। हर जगह आपको ये एम्बियंट लाइट मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। तो इसकी डिग्गी पहले बंद कर दिया, और अब आ जाते हैं इसके आगे वाले पार्ट। तो जैसे कि आगे है, बेहतरीन आपको फिनिश मिलेगी, एक प्रीमियम, बहुत ज़्यादा प्रीमियम ये गाड़ी बनाई गई है। पियानो वो उसको क्या कहते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है आपको। 3 कलर में आती है, ये पहला ब्लू होता है, फिर ब्लैक होता है, फिर ये बेज है, और थोड़ा बहुत ग्रे की शेडिंग है। ये AC का कंट्रोल है। यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर, जो कि मेरे मॉडल में नहीं है। और ये आपका, देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसके अंदर एक चीज़ है, आप चलते चलते भी पीछे देख सकते हैं, कैमरे का बटन जो ये है इसको दबाते ही साथ। और ये है आपका हिल असिस्ट, और आपको जो डोर खुला रहेगा वो बंद किया जाएगा, यहाँ तक कि जो पंचर होगा टायर का। और इसके अंदर इन्फो में देख सकते हैं कि, और सबसे अच्छा इसका माइलेज की बात है, ये देखिए
सबसे अच्छा इसका माइलेज है, वो माइलेज ये देती है गाड़ी कम से कम आपको सिटी में देगी 17-18 का, और हाईवे में मिलता है आपको 20+ का। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि हर एक फैमिली कार जो लोग रखते हैं और जो चाहते हैं कि उनको एवरेज भी अच्छा मिले, 7-सीटर भी हो, बूट स्पेस भी अच्छी मिले, तो उसके लिए ये गाड़ी परफेक्ट है। तो अब आते हैं इसके आगे साइड में। तो जो इसके आगे देखिए, आपको पूरी ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार है। प्लस इसके अंदर ये सारे सेंसर हैं, जैसे ही मैं सेंसर के पास आता हूँ गाड़ी के अंदर है ना, सेंसर लाइट जलने लगती है कि आपकी गाड़ी कहीं भी टक्कर खा रही है। तो ये हमको, मुझे इंडेवर वाला फील देती है इसके अंदर। और इसका इंडेवर वाला फील एक और आपको बता दें कि इंडेवर के अंदर जैसे एसी आती है, वैसे ही एसी पीछे वालों के लिए, ये एसी है अंदर के देखिए, तो ये वाले एसी इसके अंदर मिलता है। तो ऐसी कुछ गाड़ी है। और इसके अंदर जो हमको जो खाली इस गाड़ी के अंदर एक कमी लगती है सेकंड गियर में, कि आपको छोटी छोटी जगह पे फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, वरना ऐसे गाड़ी थोड़ी थोड़ी बंद होती है। क्योंकि इसके अंदर जो वो आता है इंजन, इंजन की कैपेसिटी कितनी है, शायद 1500 या 1600 सीसी का इंजन है, इस वजह से आपको। लेकिन गाड़ी में पावर की कमी नहीं है, पावर बहुत ज़्यादा है। जो लोग क्रेटा चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उनकी छोटी फैमिली है, तो ये एक MPV कहलाती है, कि जिसकी वजह से जो इसका माइलेज है वो क्रेटा के तरीके, और जो इसका पावर है वो भी क्रेटा के तरीके, लेकिन इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी स्कर्ट करते हुए चलती है और बहुत ही प्रीमियम फील देती है। तो यह मैं इतना ज़्यादा डीपली रिव्यू नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं अपनी कार का ऐसे नॉर्मली रिव्यू दे रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा। आइए अब इसकी ड्राइव लेते हैं। आओ बैठो। बढ़िया तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं कि रोड थोड़ी बहुत गड्ढे वाली है, तो अब देखिए इसके बाद कितनी आराम से चलती है, देख रहे हैं, झटका वटका कुछ भी नहीं मिलता है, और बढ़िया तरीके से ये गाड़ी चलती है, जिसकी वजह से। और इसकी लाइट बहुत खूबसूरत है, वाइट लाइट है। आप उसको इसको यहाँ से आप अपने हिसाब से लाइट सेट कर सकते हैं, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और जो इसके अंदर स्पीकर आते हैं वो भी बोस के आते हैं, बोस के स्पीकर हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि बोस के स्पीकर का जो ब्रांड है वो अपने आप ही में बहुत बड़ी बात कह देता है। ऊपर से जो इसकी क्वालिटी है साउंड की, बहुत ही प्रीमियम है। और ये रात में होता है, पूरी एम्बियंट लाइटिंग चलती है इसके अंदर, अभी बंद है। तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि ये गाड़ी कितनी सही चल रही है। तो रेस लेते हैं, बैटरी चलाते हैं। तो ये देख रहे हैं भाई, आवाज़ सुन रहे कितनी ज़बरदस्त आ रही है इसके अंदर से। तो ये कुछ ऐसी ड्राइव है इसकी प्रीमियम क्वालिटी की, ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यार अगर आप लोग को भी अगर ये अच्छी लगी हो, मेरा जो मॉडल है ये, जैसे कि प्रेस्टाइज आती है, प्रेस्टाइज प्लस आती है, फिर किया कर नॉर्मल आती है ना, तो ये लग्जरी मॉडल है। तो लग्जरी के अंदर बहुत अच्छी प्रीमियम फील है, जो कि सच में गाड़ी लग्जूरियस लगती है। और जो नॉर्मली जो नीचे प्रेस्टाइज वगैरह आती है वो उतनी प्रीमियम नहीं लगती है। इसके अंदर अलॉय व्हील भी रंग की नहीं रहती, ये पियानो ब्लैक फिनिश भी नहीं रहती, एम्बियंट लाइटिंग नहीं रहती, एसी वाला जो कंट्रोलर है वो भी बहुत बेकार लगता है उसका। तो ये मतलब वो मैनुअल है और ये ऑटोमेटिक है, तो ये गाड़ी बहुत प्रीमियम फील देती है। ये सामने भी स्पीकर है, राइट में स्पीकर है, माइक का ऑप्शन इसी के अंदर है, देखिए ये सामने इधर हाँ। तो ये यहाँ पर माइक का भी ऑप्शन है, और जो इसका लुक है ना भाई, लुक एकदम जैसे फ्यूचर कार का है, इलेक्ट्रिक कार टाइप का, मतलब जो लुक है। और ये गाड़ी का फील ही अलग है, मतलब बहुत लाइट। इसकी स्टीयरिंग देखिए कितनी लाइट है, कि मैं इसको एक उंगली चला सकता हूँ। अब फॉर्च्यूनर वगैरह का क्या है ना, फॉर्च्यूनर की स्टीयरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, तो लोग इस वजह से उसको पसंद नहीं करते,
लोग लेते हैं उसको, लेकिन भौगाल के लेते हैं, लेकिन ऐसे जो नॉर्मल चलाने का जो मज़ा है शहर में वो फॉर्च्यूनर में कम आता है, क्योंकि उसकी स्टेयरिंग वगैरह बहुत टाइट रहती है और उसको भाई आप एक हाथ से चलाना पड़ता है, उसको आप एक उंगली से चला सकते हैं, तो ऐसी ऐसा फील आता है। तो यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं, आपको इसका बाहर का भी कुछ लुक दिखाते हैं।